यस स्टार्ट करते हैं एवरेजेस। एवरेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे टॉपिक्स में मिलता है। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो भी एवरेज के कंसेप्ट देखेंगे, प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो भी एवरेज के कंसेप्ट समझेंगे, और क्वांट में पढ़ेंगे तो भी एक एवरेज टॉपिक अलग पढ़ेंगे। एवरेज नाम से क्लियर होगा, ये वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं कि इस प्लेयर का एवरेज ये है या मेरी गाड़ी का एवरेज ये है। तो एवरेज मीन्स आपको एक बेसिक आइडिया है कि एवरेज मतलब, जैसे आपने कहा कि मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर का एवरेज देती है, यानी पर लीटर वो 40 किलोमीटर चलती है, राइट। तो एवरेज से मतलब क्या है वो समझना है हमको। अब जैसे यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और बहुत ही अच्छा सिंपल टॉपिक है, इसमें किस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आप जो भी एग्जाम दोगे, चाहे आप SSC का एग्जाम दो, कैट का दो, बैंकिंग का दो, रेलवे का दो, ये एक बेस्ड टॉपिक है जो हर जगह आपको यूजफुल होगा, राइट। अब जैसे ये लिखा मैंने, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 13, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। आपसे कई बार डिस्टेंस का एवरेज पूछेंगे कि सपोज, अब एवरेज में क्या क्या कंसेप्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं थ्रू क्वेश्चंस या थ्योरी के ही कवर करूंगा। तो अब जैसे आपसे बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 13, अब 10 एंड 13 के बीच में अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम, 10 एंड 13 के बीच क्या होगा एवरेज। एवरेज के लिए सिंपल सा आपने जो स्टेटिस्टिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। एवरेज के लिए क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, राइट। ये सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है। अब क्वेश्चन से मैं आपको इसकी वैरायटी या टाइप्स कवर करते हुए चलूंगा। तो जैसे अगर मैंने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 13, तो 10 एंड 13 के बीच में जो नंबर है प्राइम, उनके का एवरेज बताना। तो पहले तो आपको देखना होगा कौन कौन से होंगे नंबर प्राइम, कौन कौन से होंगे, लाइक 11, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23 एंड 29। कितने नंबर हुए, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 नंबर का आपको एवरेज बताना है। यही कंसेप्ट आपने मीन में भी सीखा हुआ था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आप दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्वांट के हिसाब से एवरेज पढ़ना है, क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो बताता हूँ चलूंगा। तो अब अगर मैं एवरेज निकालू तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 बाय 6। अब ऐड करते समय अगर जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया तो 30 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो भी कितना हो गया, तो भी ये हो गया, सॉरी हाँ ये भी ये हो गया 40, ये हो गया 40। अब रह गया कितना, अब देखिए ये 30 प्लस 40 70 प्लस, इसको 30 ले लीजिए, 100 112 बाय 6, राइट, 112 बाय 6 ये टोटल मिला आपको। अब कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 3 से तो ये क्या होगा, ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये रूल पता होना चाहिए आपको। तो 6 से नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 से डिविजन नहीं हो रहा, तो केवल 2 से कर दीजिए, 56 बाय 3। तो क्या आ गया, फर्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30, तो 10 एंड 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज देखें हम तो 56 बाय 3। अब आपको या तो आंसर इस फॉर्म में दिया होगा या इसको डिवाइड करके दिया होगा, अगर डिवाइड करके दिया हो तो आप वैसे लिखिएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन बोला है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे, मैं धीरे धीरे इस टॉपिक पे आता जाऊंगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर मतलब आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इनमें फर्स्ट 40 नंबर्स का आपको एवरेज बताना। तो फर्स्ट 40 नंबर मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो मैं जो जो लिंक टॉपिक होंगे उनके भी कंसेप्ट बताता हुआ आपको चलूंगा, 1, 2, 3, 4 अप टू 40। तो अब इसमें आपको अप टू 40 नंबर तक का एवरेज बताना है। तो सिंपल, अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे, सिग्मा एन, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, फर्स्ट एन टर्म का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। यहाँ पर छोटे छोटे रिविजन करवाता चलूंगा। तो मैंने आपको अभी जो बोला कि इसमें एक तो स्टेटिस्टिक्स और प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट लगेंगे जो यहाँ रिवाइज करवाऊंगा। सिग्मा एन स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये सिग्मा एन स्क्वायर जो होगा एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्मा एन क्यूब की, दिस इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, दिस इज n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 या सिग्मा n का स्क्वायर। अब जैसे आपसे सेकंड क्वेश्चन में मैंने अगर आपसे बोला सम ऑफ, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 40 तक का समेशन, जो कि क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1
बाय टू, राइट, ये 20 टाइम हो गया, 20 × 41, तो ये हो गया 82, तो 820, राइट। तो फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा वो होगा 820। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूले तो है ही नहीं, फॉर्मूले तो सिंपल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म, या एचपी का एक फॉर्मूला लगेगा जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बनाता हुआ चलूंगा, ये क्वेश्चन से ही समझने में आने वाला टॉपिक है, और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाता जाऊंगा, और इसमें वो वाले क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, राइट। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखें, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट का जो एवरेज है, राइट, 8 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 51 है, एंड 9 अदर स्टूडेंट है उनका एवरेज जो है वो 68 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट वॉज, याद रखिएगा जो ये 8 स्टूडेंट है इनका एवरेज है सिग्मा एक्स अपॉन 8, ऐसा समझ लीजिए, इसको हम समेशन के टर्म में लिखें वो ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट बैच है, और यहां पर 68 सिग्मा एक्स टू अपॉन, ये सिंबल है लिखने के, 9। अब आपसे बोला है कि कंबाइंड, तो कंबाइंड कभी भी बोला जाए तो इसका मतलब है टोटल आपको वैल्यू निकालनी होगी, तो कंबाइंड अगर निकालना हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वन इंटू एन वन प्लस एन टू इंटू, ये मैं अपने तरीके से फॉर्मूला लिख रहा हूं, अपॉन नंबर ऑफ बोथ स्टूडेंट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 8 × 51 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 9 × 68, राइट, अपॉन 17। अब एक चीज हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आप सबके साथ कि स्मार्ट कैलकुलेशन हमेशा यूज करना चाहिए। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि मैंने पहले ही लिख दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो 17 × 3 = 51, 17 × 4 = अगर मैं इसमें से 17 कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 8 × 3 प्लस 9 × 4 अपॉन 17। तो अब पहले मैं पूरी कैलकुलेशन करता फिर काटता उसकी जगह। तो आप जरा जब भी कैलकुलेशन करें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये 17 से 17 कैंसिल, अब ये हो गया 24 प्लस ऑफ 36, तो ये हो गया 24 प्लस 36 इक्वल टू 60, तो 60 इज अ राइट आंसर। तो आपका, आपको कई बार क्वेश्चन आते होंगे पर आप कई बार कैलकुलेशन में इतना टाइम लगा देते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मैं इस टॉपिक के साथ आपको कैलकुलेशन में जो जो टिप्स लगेंगी वो भी बताता चलूंगा, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है पर थोड़े से हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हुए चलेंगे। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ थ्री बैचेस हैं, बैच वन इसके बारे में पता है कि इसमें 55, इफ द एवरेज ऑफ थ्री बैचेस 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट, ये ऐसे थ्री बैचेस हैं स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली, इफ 50 इनका एवरेज दिया है, इसका एवरेज दिया है 50, जब भी एवरेज दिया तो बाहर लगा लो सिंबल होता है, इसका एवरेज दिया 55 और इसका एवरेज दिया 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो पहले किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 50 इक्वल टू सिग्मा बी वन पूरे बैच का समेशन अपॉन 55, ऐसे ही यहाँ पर 55 इक्वल टू सिग्मा बी टू अपॉन 60, ये सिंबल अपने तरीके से मैंने बनाया, सिग्मा बी थ्री अपॉन 45, राइट। अब इन सारे स्टूडेंट का हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज होल एवरेज अगर हम बात करें तो हर क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उनका इस क्लास का जो टोटल स्कोर है 50 × 55 प्लस 60 × 55 प्लस 60 × 45 अपॉन नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास, 55 प्लस 60 प्लस 45, राइट। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि सब कुछ ये कैंसिल होने वाला है, देखिए ये भी कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 100 160, नीचे आ गया 160, राइट। अब ऊपर आप चाहो तो एक 5 कॉमन ले लो, तो अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो 50 × 11 प्लस 60 × 11 प्लस 60 × 9, बाद में और भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो करेंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो गया 32, राइट। अब अगर आप देखें तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, अब अगर देखें तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 × 11 प्लस 30 × 11 प्लस 30 × 9, ये 2 कॉमन लिया, अभी स्टेप्स आपको समझाने के लिए 2 × 16 ये कैंसिल हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 25 × 11
250 प्लस 1 275 प्लस 300 330 प्लस 270 अपॉन 16 राइट ये 300 300 हो गया 600 प्लस 875 बाय 16। अब मैंने डिविजन्स के आपको बहुत सिंपल तरीके बताए, आप ऐसे ही करिए 16 5 जा 80 7 16 4 जा तो 54 पॉइंट समथिंग। अब देखिए 54 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है तो बस यही करेक्ट है। तो आपको कितना करना है ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ और एक एक टाइप्स को लेके कवर करता चलूंगा जिससे आप क्वेश्चंस भी कर पाए और समझ में भी आए। तो आपको अलग अलग तीन बैचेस थे उनके एवरेज मार्क्स और स्टूडेंट गिवन थे, आपको कंबाइंड क्लास का एवरेज बताना था। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। और क्वांट में क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी याद रखिए क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें थ्योरी पार्ट कम होता है, प्रैक्टिस या न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आप कंसेप्ट बना पाएंगे। जैसे देखिए क्या क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फोर कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। आपसे लार्जेस्ट पूछ सकते हैं, आपसे स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी। आप फोर कॉन्जुगेटिव इवन नंबर क्या ले सकते हैं, लाइक एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये हो गए फोर कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। अब इसका एवरेज दिया हुआ आपको 27, तो 27 इक्वल टू, इसको आप डायरेक्ट मैं आपको बोलूंगा ये स्टेप जितनी लिखे कम से कम उतना अच्छा, ये तो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए लिखता हूँ, पर ये सब नहीं लिखनी है आपको, डायरेक्ट ही ऐड करनी थी। 4x हो गया, ये हो गया 12, दिस इज 27 राइट। अब क्या हो गया इन अपॉन 4p, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 27 इंटू 4 इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 12 राइट। 4x तो ये हो गया 108 माइनस 12 इक्वल टू 4x राइट, तो ये हो गया 96 इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू 2 एंड 4 24। अब x 24 है तो अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो आप बोलेंगे 24, लार्जेस्ट बोला है तो 24 प्लस 6 30। याद रखिएगा, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा क्या बोला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 केजी। 5 पर्सन का, 5 पर्सन है कोई भी P1 P2 P3 P4 P5, इनका एवरेज वेट हमें पता है, यानी सिग्मा P अपॉन 5 इक्वल टू 38 राइट, ये गिवन है। इस शॉर्ट फॉर्म अपने तरीके से लिख सकते हैं, द एवरेज वेट ऑफ अ बोट एंड अ पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 52। अब बोट में बैठने के बाद बोट का वेट और पर्सन का वेट जो है वो एवरेज हो गया 52 केजी। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ द बोट। अब देखिए इसमें केवल बोट का वेट बताना है, बोट को एक एज अ पर्सन मान लीजिए कि कोई एक पर्सन और है जिसके साथ मिलने पर एवरेज आ रहा है 52, तो आपको उस पर्सन का बताना है, बोट की जगह ऐसा सोचिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल, सिग्मा पी प्लस बोट अपॉन 5 प्लस बोट एक नंबर मान लीजिए इक्वल टू, ये आपको दिया है 54 राइट। यहां पर सिग्मा पी इंटू क्या करना था हमको, इंटू 38 भी करना था, मतलब सिग्मा पी लगाना था, तो सिग्मा पी तो 54 इक्वल टू 38 इंटू 5 प्लस बेट ऑफ बोट अपॉन 6 राइट। क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 54 इंटू 6 इक्वल टू 38 इंटू 5 प्लस बोट, तो बोट इक्वल टू 54 इंटू 6 कर लीजिए आप क्या आ जाएगा, और फिर माइनस करना है आपको राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 54 इंटू 6 माइनस 38 इंटू 5, 2 चाहें तो कॉमन ले लीजिए, जो चीज कॉमन आती है वो कर लेना चाहिए, तो 54 इंटू 3 माइनस 19 इंटू 5 राइट। एडवांटेज ये हो गया 2, ये हो गया 54 इंटू 3 करेंगे तो 162 माइनस 95 राइट, 95। अगर ये सपोज 100 होता तो 62 मिलता, तो ये 62 की जगह 67 हो गया, तो 67 इंटू 2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एंड 134। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 केजी। 5 पर्सन है जो एक बोट में बैठ रहे हैं, सपोज पर्सन है P1 P2 P3 P4 P5, एवरेज वेट जो है इनका वो 38 केजी है ओके। फिर क्या बोला, देखिए द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52। अब जब 5 पर्सन और बोट दोनों सबको मिला लें तो एवरेज वेट आ रहा है 52, तो आपको बोट का वेट बताना। अब एक तरह से सोचिए,
इसको बोर्ड की जगह एक पर्सन जैसा भी मान सकते हो और बोर्ड भी मान लो। तो अब आपको क्या करना है, एवरेज बताना है किसका, सिग्मा पी प्लस एक बोर्ड अपॉन फाइव प्लस बोर्ड, बोर्ड भी एक नंबर हो गया। अब ये आपको गिवन है 52, तो 52 इक्वल टू 38 इंटू फाइव प्लस बोर्ड अपॉन सिक्स, राइट। आप क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 52 इंटू सिक्स इक्वल टू 38 इंटू फाइव प्लस बोर्ड। में नॉर्मली मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता कि कई बार कॉमन लेने से कोई चीज इजी हो रही हो तो ज्यादा अच्छा, 38 इंटू फाइव, राइट। यहाँ पे चाहे तो 2 कॉमन ले लें, तो 52 इंटू 3 माइनस 19 इंटू 5, ये हो गया 2, ये हो गया 150 इंटू 166 माइनस 95। सपोज ये 100 होता तो 66 मिलता, तो यानी एक तरह से 71, 71 इंटू 2 तो 2 इंटू, हाँ सॉरी, ये होगा 156 माइनस 95, राइट। तो 156 माइनस 95 करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 61 मीन्स 122 केजी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60, 11th रिजल्ट मतलब 11 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, राइट, आई इक्वल टू 1 टू 11 ऐसा समझाने के लिए, अपॉन 11 इक्वल टू 60 है, यानी 60 इंटू 11 कर दो तो ये सिग्मा एक्स मिलेगा आपको। अब इसमें क्या गिवन है देखते हैं, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज 58 एंड द लास्ट सिक्स इज 63, फाइंड द सिक्स रिजल्ट, राइट। यानी अब आपके पास टोटल ऐसे समझिए 11 स्टूडेंट है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स एट एक्स नाइन एक्स टेन और एक्स 11। अब इसमें क्या गिवन है समझ लीजिए कि द एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट इज 60, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट इज 58 एंड द लास्ट सिक्स रिजल्ट इज 63, 1 2 3 4 5 6, इनका भी कितना है 63 है, राइट। तो आपसे पूछा है फाइंड द सिक्स रिजल्ट, यानी आपको सिक्स वाला जो पर्सन है उसका रिजल्ट बताना है, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो पहले सिक्स है यानी इन सिक्स का आप बोलेंगे सिग्मा एक्स वन टू सिक्स तक का, इसको वन मान लेते हैं, अपॉन सिक्स इक्वल टू 58, राइट। और इधर वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे, 63 इक्वल टू सिग्मा एक्स टू अपॉन सिक्स। अब देखिए इसका कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने ये जो सिक्स है इसका रिजल्ट एवरेज है 58, इन सिक्स का भी एवरेज 58 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें ये पहले सिक्स का रिजल्ट कितना होगा तो आप बोलते 58 इंटू सिक्स, मैं बोलता इन सिक्स का रिजल्ट क्या होगा तो आप बोलते 63 इंटू सिक्स, और अगर मैं बोलता पूरे 11 का रिजल्ट क्या तो आप ये बोलते। अब इन 11 के रिजल्ट में सिक्स वाला भी है, अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों को ऐड कर दो, सपोज सोचना कितना अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और एग्जाम का क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 58 इंटू सिक्स प्लस 63 इंटू सिक्स। अब इसमें जब आपने दो बार ऐड किया तो ये और ये मिलके तो एक्स सिक्स टू टाइम आ गया, और अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं पूरा तो केवल जो आइसोलेटेड आपने पूरे 11 को माइनस कर दिया, तो जैसे ही आपने इसको माइनस किया समझिएगा 58 इंटू सिक्स प्लस 63 इंटू सिक्स माइनस 60 इंटू 11। इससे क्या हुआ कि आप समझिए, यहां पर एक्स वन से एक्स सिक्स है, यहां एक्स सिक्स से एक्स 11 है, तो एक्स सिक्स दो बार आ रहा है एक तरह से, तो एक्स वन से एक्स फाइव एक्स सेवन से एक्स 11 और एक्स सिक्स इससे कैंसिल, तो एक एक्स सिक्स बच जाएगा, तो ये एक्स सिक्स मिलेगा, राइट। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, सबसे पहले तो मैं सिक्स ही कॉमन लूंगा, उससे मेरा टाइम बचेगा, सिक्स कॉमन लिया तो 58 प्लस 63 माइनस 10 इंटू 11, राइट। तो ये हो गया 6, ये इन दोनों को ऐड करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है, तो देखिए ये 58 है, इसमें 2 ले लो तो 60 प्लस 60 120, 121 माइनस 110, तो 6 इंटू 11 तो ये हो गया 66, यानी जो 6 वाला स्टूडेंट है उसका स्कोर 66 रहा होगा या 66 मार्क्स रहा होगा, राइट। अब मैं आपको इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाता चलूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। बाकी एवरेज एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन पढ़ के इतने बेसिक से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। द बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन द 17 इनिंग, एक बैट्समैन ने अपनी 17 इनिंग में 87 रन बनाए, एंड द इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3,
उसका जो भी पहले एवरेज रहा होगा उस एवरेज में थ्री स्कोर थ्री इंक्रीज हो गया। फाइंड द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, राइट। अब आपको बताना है कि 17 इनिंग में उसका एवरेज क्या हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट एवरेज है क्या एक्स है, राइट। अगर 17 इनिंग में, तो सबसे पहले हम समझें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि एक्स इक्वल टू, तो अब 17 इनिंग के पहले, 17 इनिंग के पहले यानी 16 इनिंग तक उसका एवरेज क्या रहा होगा वो देख ले। हम टोटल करें तो 16 इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस ऑफ 87 रन अपॉन 17। नहीं समझे बात को आप सोचिए कि 16 इनिंग तक, उस 17 इनिंग जब उसने खेल ली तो उसका एवरेज हो गया एक्स, तो उसके पहले जो 16 इनिंग थी उसमें एवरेज कितना रहा होगा, क्योंकि उससे 3 एवरेज बढ़ा है, तो उसके पहले की 16 इनिंग में एवरेज रहा होगा 17 माइनस एक्स, एक्स तो एवरेज लिया तो एक्स माइनस थ्री, ये एवरेज है हमारा, ये 16 इनिंग तक रहा होगा, राइट। तो एक्स माइनस थ्री इसमें समीशन ऑफ 16 इनिंग अपॉन 16, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आई आपको बात? आप समझिए क्वेश्चन को फिर से कि 87 रन बनाए उसने 17 इनिंग में किसी प्लेयर ने, और उसका एवरेज 3 बढ़ गया, तो आपको बताना है कि अब उसका नया एवरेज क्या रहा होगा, राइट। फाइंड द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। तो अब इसको लॉजिक से सोचे, तो हमने मान लिया कि एवरेज है एक्स, तो 17 इनिंग में उसने 17 जो इनिंग खेली थी उसमें 87 रन बनाए थे, तो उसके पहले की जो 16 इनिंग थी उसमें एवरेज क्या रहा होगा x माइनस थ्री। क्यों? क्योंकि x आपने टोटल एवरेज माना तो x माइनस थ्री रहा होगा, तो x माइनस थ्री इक्वल टू 16 इनिंग का समेशन रन का अपॉन 16, तो ये मिल गया 16 टू x माइनस थ्री प्लस 17 इनिंग में 87, और ये टोटल 17 हो गया। तो इससे सॉल्व करो तो 17x इक्वल टू 16x माइनस 48 प्लस ऑफ 87, तो ये मिला आपको डायरेक्टली x। अब इसको इससे आप सेपरेट कर दो, राइट। अब कभी भी सेपरेट करना, तो मान लो ये 88 होता, ये 48 होता, तो कितना मिलता 40, तो ये हो गया 39। तो यानी न्यू एवरेज उसका क्या हो गया 39, 17 इनिंग के बाद, यानी इसके पहले उसका एवरेज 36 रहा होगा, उसने 87 रन बनाया तो उसका एवरेज बढ़ के 39 हो गया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, सारे एक्चुअल क्वेश्चन ही ले रहा हूं, इसलिए डेटा भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से आया, तो मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आने चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने। द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर। एक क्लास में टोटल 39 स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं मैं सिग्मा के ऊपर, ये है इसका एवरेज दिया है, 39 स्टूडेंट का एवरेज दिया है 15 ईयर, राइट। सिग्मा एक्स अपॉन 39 ये गिवन है। अब आपको बोला इफ एज ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ्स। 3 मंथ इंक्रीज हो गया मतलब 15 ईयर में 3 मंथ्स, तो ईयर को ईयर में आप मंथ में कन्वर्ट कर ले तो 1/4 हुआ, यानी 61/4 ईयर एवरेज एज हो गई अब, राइट। फाइंड द एज ऑफ टीचर, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको मिलेंगे। तो आप सबसे पहले एक चीज समझिए कि आपको पहले तो ये देखिए कि टोटल एज कितनी हुई, सिग्मा एक्स अगर हम देखें, क्योंकि 39 स्टूडेंट की एवरेज एज 15 है, हर स्टूडेंट की एज 15 नहीं होगी, किसी की 16 होगी, किसी की 17 होगी, लाइक दिस। तो 39 इंटू 15, राइट। मल्टीप्लाई करने की मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई, जैसे इसको 30 प्लस 9 इंटू 15 लिख लीजिए, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ये हो गया 135 प्लस 450, तो ये हो गया 485, यानी 585, यानी एवरेज एज जो, सॉरी टोटल एज जो बच्चों की है वो 585 है। अब जब 39 स्टूडेंट और एक टीचर मिला लें तो एवरेज एज कितनी हो गई 41, 61/4, यानी आप बोलेंगे 585 प्लस एक टीचर अपॉन 40, राइट। उससे मिली हमको 585 एज हुई कितनी स्टूडेंट की, एक टीचर की एज, और ऐसे मिलके 40 लोग हो गए, तो उसकी एवरेज एज कितनी आ रही 61/4, ये कैंसिल कर दीजिए 10 टाइम, तो 610 इक्वल टू 585 प्लस टी, तो t इक्वल टू 610 माइनस 585, तो ये कितना आ गया 25, यानी टीचर की एज होगी 25 ईयर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछते हुए चलना, 1/4 इसलिए लिखा है कि 3 मंथ्स है ये, 3 मंथ्स मतलब अगर इसको ईयर में कन्वर्ट कर ले तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ, तो अब क्योंकि 15 ईयर दिया, या तो 15 ईयर को मल्टीप्लाई करें हम 12 से, तो या तो पूरी कैलकुलेशन मंथ में करेंगे या पूरी कैलकुलेशन ईयर में करेंगे, तो बेटर है कि ईयर में कर लें, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27,
राइट, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 27, 27 एवरेज है कितना, 8 नंबर्स का, ठीक है। अब ये बोला गया है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 8 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर। देखिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, ये बोला ना मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप याद रखिएगा जैसे x1 है, x2 है, x3 है, अब इस सब में आपने अगर 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 टाइम बढ़ गया, यानी 8 आप कॉमन ले सकते हैं। तो जो चीज बड़ी है बस वही का उसी का मल्टीप्लाई कर दो आप। तो अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो पहले 27 था, अब 8 कर दीजिए, यानी इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर नंबर 8 टाइम बढ़ गया तो एवरेज भी 8 टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे डिवाइड के लिए भी होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 216, तो 216 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।